up, everybody? It's your boy Danny Zihan back at it again with a new video. Hey, what's up, Shadi? Alright, so hey guys, what up, everybody? It's your boy Danny Zihan back at it again with a new video, baby. Alright, so hey guys, what up, everybody? It's your boy Danny Zihan back at it again with a new vlog, baby. So, where he? ओके सो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पता नहीं क्या बोलूँ, जस्ट आज दिन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा लेट हुआ है बट हो गया है। अभी फ़िलहाल चलते हैं, एक क्विक कार को सर्विस करते हैं एंड देन देखते हैं आज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम इस वेट कर रहे हैं, हम लोग उससे ज़्यादा प्यार इतनी इज्जत। सो अबाउट टू रीच, हमें इस बाइक पे आ रहा है बिकॉज यहाँ से हम लोगों ने एक और एक प्लान किया है कि गाड़ी सर्विसिंग में रख कर हम लोग जाएंगे कहीं और। कहाँ जाएंगे वही बता दो यार। देखो ये देखो ये देखो कहाँ से डाला, देखो ये है हमारे बॉम्बे की। ओ आवेश भाई कैसा है तुम? ये अपने अमन भाई का गैराज, तुम लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो गोवा का, तो गोवा में भी उनका एक गैराज है, वो अलग है और ये अलग है। बाकी अमन भाई से मिल के बताता हूँ। वेंटो को बोला जैकेट भी ले गया है, जहाँ से अपन निकल गए। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे वीडियो नहीं बनाई क्या? हाँ, एक दिन पहले बस काटते ही इसको पहले। मैं बोला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस वाला केक आया। ओहो, काटने का सिस्टम नहीं है। थैंक यू भाई, मतलब देखो मैं इतनी डाइट कर रहा हूँ। थैंक यू अमन, कौन सा खिलाओ भाई? आप खाओ। अरे अरे ऐसा भाई को खिलाओ। अरे आप भी खाओ, ऐसा नहीं है। रु भाई अपनी दिवाली अभी तक बन रही है। मैंने क्या बोला? प्लीज मेकिंग कर्मा 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 ही तो बचा था अपने पास। भाई आप लो पहले। हाँ लो ना भाई, पहले आप लो। नहीं दिवाली में मीठा मीठा बहुत चाहता। हेलो हाँ, एक घंटा भाई। सो गाड़ी का कंप्लीट काम और अमन भाई के हाथ में गाड़ी खोल के हम लोग जा रहे हैं साइन, जस्ट बिकॉज हम लोगों को कुछ चेंजेस करने हैं हमारे चीज़ों में, मतलब इसमें। शर्ट शर्ट जैकेट नीचे चड्डा। ठीक है, चलो भाई अल्लाह हाफिज। वैसे आज पूरा दिन चला गया मगर मैं तुम लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि करंटली हम लोगों के पास डॉज कॉइन है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों के पास 15,500 डॉज कॉइन्स है जो मैंने खरीदे थे तकरीबन 22 रुपीज़ 80 पैसे में। ये भी शायद तुम लोगों को इधर दिख रहा होगा, देखते हैं कब तक बढ़ता है डॉज। जब बीच में अगर और भी कुछ बढ़ रहा होगा और अगर अपन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहें, मेरे ट्रेड्स बहुत डिफरेंट होते हैं, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इसको बाद में। ट्रेड वीडियोज बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ बताओ। था ना ये ब्रेक पैड घसा ना, तब मेरे को समझ में आई कि अपने ब्रेक पैड चेंज करना है। तो उसके बाद मैंने उसको 10-20 किलोमीटर चलाया, फिर बाद में फिर उसके बाद आने लगी, सीधा इधर खड़ी कर दिया भाई। तो मैं समझ गया सर्विसिंग का टाइम मांग लिया, लेकर चलो बीमार हो गई हूँ मैं। अच्छा, अरे रोज टेंशन रहता था ना, क्या इसको ना वो ये रही दे रही ना, कभी बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाओगे।
सही जगह मैंने प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट हो गया, 10-15 मिनट काम हो गया ना। ओके सो काफ़ी सारे काम आज के हम लोग ये कंप्लीट हो भी गए, नहीं भी हुआ। एंड कुछ देर पहले मैं अभी यहाँ पे बैठ के यूट्यूब देख रहा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा ट्रैविस स्कॉट का एक पेज खुला हुआ है, वेरिन आप लोगों को पता होगा जो लोग ट्रैविस स्कॉट के फैंस हैं कि हॉस्टल में उसका एक कॉन्सर्ट था, कुछ रीजन से वो पोस्टपोन हो गया, वहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हो गई जस्ट बिकॉज कॉन्सर्ट में जो लोग आए थे उन लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई। तो लोग जब दूसरों पर गिरने लगते हैं तो इस इंसिडेंट की वजह से 8 से 9 लोगों की जान गई है, 8 तो कंफर्म डेथ्स हैं। वेर इन वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी थे, 2 छोटे बच्चे थे उसमें, 6 लोग जो थे वो यंगस्टर्स थे 21 से 27 की एज के बीच के। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया काइली को, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया ट्रैविस स्कॉट को, जो लोग वहाँ पर गए थे वो लोग उनके हेटर्स नहीं थे, उनके फैंस थे। और जो भी कुछ हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों की अफरा तफरी की वजह से हुआ है। एक ऑर्गेनाइजर हमेशा ट्राई करता है कि वो अपना बेस्ट दे सके, लोग होते हैं ना यार कि नहीं मुझे मतलब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे देखना है, आगे जाकर देखना है। एंड बहुत सारा क्राउड होता है तो लोग समझते नहीं है, ड्रग में रहते हैं, पिए हुए रहते हैं। अब जो होना था वो हो गया, जिन लोगों की डेथ हुई है बस इतना ही बोल सकते हैं, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। एनीवेज मैं तुम लोगों को ये बोला था कि हम लोगों ने अभी जो क्रिप्टो पे मैंने सारे कॉइन्स कम्प्लीटली सेल आउट करके डॉज लिया हुआ है, तो डॉज को मैं कब तक होल्ड करूँगा मुझे पता नहीं है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर पाऊँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि डॉज इज गोइंग टू बूम। बताओ क्या करूँ यार, नींद आ रही है, ट्रैवल भी करना है मगर मूड नहीं है, एंड देन इतना स्टूडियो लेने के बाद ट्रैवल करना इज नॉट वर्थ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग कुछ बताओ क्या करूँ। कर सकते हो तो कमेंट करके वो भी बताओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो फाइनली सर्विस इज कम्प्लीट और एक दो छोटा मोटा काम और उसमें बाकी है। एंड देख सकते हो गाइस तुम लोग ये थोड़ा बहुत जो पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इसको रैप कराऊँ नहीं कराऊँ। देन सेकेंडली बेंडली आप लोग देख सकते हो वहाँ पे खड़ी है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि बेंडली को बेच देना चाहिए एंड आई शुड गो फॉर हार्ली आयरन 883 ऐसा कुछ। तुम लोग क्या लगता है मुझे कॉमेंट करके बताओ, इसको रैप करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सुकून में चल रही है, रैप करने के बाद फिर से प्रॉब्लम्स ही होने लगेगी आप लोगों को पता है। तो यार हेल्प करो थोड़ा सा, मुझे बताओ क्या करूँ क्या नहीं करूँ इन लोगों के साथ। ओके सो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इस वीडियो में इतना कुछ खास था नहीं, बस जो भी था जैसे भी था कंटेंट के लिए भी थोड़ा सा अगर हेल्प। सो भाई एंड जाने से पहले एक चीज़ और, मैंने ये एक गिव अवे रखा है ठीक है, ये गिव अवे है ये बाप रे बाप, ये भागा 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 भागा। ओके सो जो तुम लोगों ने देखा अभी दैट पर्सन इनसाइड इज गिव अवे, एक्चुअली हम लोगों ने दानिश के काफ़ी बच्चों को मतलब दानिश के कैट्स के काफ़ी बच्चों को गिव अवे कर दिया जस्ट बिकॉज हम लोग और ज़्यादा नहीं रख सकते। सो हम लोगों ने कभी सेल आउट नहीं किया गाइस उनको, हमेशा दानिश के जो भी करीबी फैंस थे जो हम लोग ये मतलब जानने वाले थे, जिसके रोहित और साहिल और भी बहुत सारे लोग थे, तहरीम के फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, तो हम लोगों ने ट्राई किया ऑलमोस्ट सबको देने का, मगर इस बार मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा डिजिटलाइज करेंगे, आई मीन जियोन सूजी बेला के जो बच्चे हैं उनको हम लोग फैम्ब्रो आर्मी को डिजिटल वे में गिव अवे देंगे, मतलब गिव अवे करेंगे। सो यार ये अभी इसके ऊपर कोई ना कोई रोस्ट वीडियो बनाएगा, देखो बोलने नहीं आता ऐसा एक्साइटेड। सो एनीवेज वेज अगर तुम लोगों को जानना है कि गिव अवे का प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है, सो गो एंड चेक आउट आर इंस्टाग्राम स्टोरी, डाल दी होगी तो दिखने मिल जाएगी, अगर नहीं डाली है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर गिव अवे इंस्टाग्राम पे आएगा इस आईडी पे। सो जाओ चेक इट आउट एंड मचाओ। सो वही अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ताकि सब्सक्राइब करो, फैन ग्रुप में ज्वाइन करो। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी बाय।